हो सकता है एक संघर्ष से भी बचाता है, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। कहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक सामान्य में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते जाते आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि इसका तोड़ गया। यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। कि सामने वाले के शक्ति तो नहीं हो सकते, यह तो हमारा खुद का डर होता है, जाने मौन रहने को विवश करता है। कि हमारे मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है। जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन के तरह मुक्त कितना हल्का अनुभव करेगा। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उदंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मांगने पहुंचा है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है तो थी और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इन पांच जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने इसे तीसरे आदमी की बुराई कर रहा, तब तुम्हें चुप रहकर पर सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा हो तो यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घाटा होता है और यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है और यह किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पाए या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाएं दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। जब कोई अपनाया कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध का अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।